इसी क्लास 12th कंपार्टमेंट प्राइवेट पत्राचार्य स्टूडेंट रिजल्ट आ चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है जो बहुत परेशान है। तो आपके कुछ क्वेरी है कि रिजल्ट में RTI आया, RW आया और रिजल्ट नोट फाउंड आ रहा है, एरर आया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो सबसे पहले बात करता हूँ RTI के बारे में। तो RTI का मतलब है रिपीट इन थ्योरी। तो जिस सब्जेक्ट में अगर आपका RTI है उस सब्जेक्ट का आपको कंपार्टमेंट देना होगा, जो सेकंड कंपार्टमेंट है उसमें आपको देना होगा। तो इसका अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि कब आपका एग्ज़ाम होगा, तो अप्रैल या मई में आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये ऐसे ही होता है। अब बात करते हैं RW क्या मतलब है। दोस्तों RW या कोई आपके या एरर आ रहा है या रिजल्ट नोट फाउंड आ रहा है, तो उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो CBSE ने ऐसे रिजल्ट को रोक दिया है जिसमें मतलब कि टेक्निकल फॉल्ट है, जिसमें बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। तो टेक्निकल इशू के कारण यहाँ पर रिजल्ट रोक दिया है जिसमें आपको RW दिया गया है। और रिजल्ट नोट फाउंड आ रहा है या एरर आ रहा है, तो उसमें भी यही कहानी है कि आपके रिजल्ट में कुछ टेक्निकल इशू है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 4x आ रहा है, तो उसका तो मतलब है कि आप 6 सब्जेक्ट में से आप 5 में पास हो और 1 सब्जेक्ट में मतलब कि आपके कम नंबर आए हैं, तो उसमें आपको फेल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए हो, आप फेल नहीं हो, आप पास हो। तो इम्प्रूवमेंट के जो स्टूडेंट थे जिन्होंने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया था, उनके में ये आ रहा है 4x। तो 4x जो आ रहा है वो इम्प्रूवमेंट के लिए आया है, ठीक है। तो आप पास हो, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अब रिकम्पार्टमेंट का एग्ज़ाम कब होगा, मैं फेल हो गया हूँ, मेरे को आगे क्या करना चाहिए, क्या ऑप्शन है, और रिवैल्यूएशन के लिए रिकॉपिंग चेकिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए आएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।